जिया बुझा बुझा नैनो थके थके गाना बजाना जरा आहिस्ता करो, देखो तो कैसी चांद सी बहू देख कर लाई हूँ मैं। है कोई मुकाबला सारे खानदान में? बिस्मिल्लाह दे, कुछ वार दो कितनी नजर न लग जावे। अरे मैं तो खुद वारी जाऊं, चांद का टुकड़ा है मेरी बहू। आदि शेजोरी, चांद का टुकड़ा न कहो, पूरा चांद कहो, पूरा चांद। पूरा चांद तो तब होगा ना जब घूंघट उठेगा, और घूंघट तो इसका मर्द ही उठाएगा। जावल, पुत्र गाड़ी रुकने से पहले औरतों वाले हिस्से में चले जाना। दुल्हन के साथ जरा बाहर आओगे तो अच्छा लगेगा। जी बाबा जान, ऐसा ही करूंगा। जानो अब देख कितने स्टेशन बाकी आए हैं अभी। साया आपका बोतल खत्म होने से पहले आ जाएंगे। ले बाबा जान, हमारी भी हाजिरी हो गई आपकी खिदमत में। इसको कहो कि ये हम जब चले जाएं तो उस वक्त गाड़ी से बाहर निकले, ऐसा ना हो इलाके में हमारी इज्जत पे कोई हर्फ आए। बाबा जान कैसी बातें कर रहे हैं, ना इलाका नहीं आए ना हम यहाँ मेहमान, और फिर तो आज शादी का जश्न है। क्यों सजावल? लोगों को कह देना कि सीधे हवेली आए, रोटी पानी का बंदोबस्त है उधर। यास्मीन बीबी, अरसे के बाद आप इतनी सजी और संवरी थी, बहुत सोनी लग रही। फोन बज रहा है। हेलो, हाँ भाई, हाँ बस अभी भी पहुँचा हूँ। खैर यार, अच्छा वापस आ गए? महफिल गर्म है। हाँ ठीक है, मैं पहुँचता हूँ अभी थोड़ी देर में। यार मैं वापस आऊँगा। जिया
जेबो, तू मेरे साथ मेरे जहेज में जरूर आई है, लेकिन मेरे साथ इस कमरे में नहीं रह सकती। जी। बीबी सलाम। वालेकुम अस्सलाम। बीबी मैं मुलाजिमा बख्तो, आपकी खास खिदमत गुजार। बीबी ये कौन है? ये जेबो है। हमारे ख़ानदान का दस्तूर है कि जब लड़की ब्याह कर जाती है तो उसके साथ नौकरानी जाती है जहेज में। बीबी ये तो कमी है। बीबी असांदी हवेली विच भी एक मुलाजिम है, साईं बिलावल दे नाल रहता है, जानू नाम है उसका। बख्तो इसे साथ ले जाओ और इसका बिस्तर मुलाजमों के कमरों में करवा दो। की नाम है तेरा? जेबू। जेबू जा बख्तो के साथ। बख्तो इसका ख्याल रखना, ये बचपन से हमारे घर में ही पली है। बीबी आप फिक्र न करें, साईं डेरे पे लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, आने वाले होंगे। बीबी आपको किसी चीज़ की भी ज़रूरत हो तो मेरे को आवाज़ दे देना, ठीक है? चल से साईं आ गए। साईं मुबारक हो, साईं मुबारक हो, साईं लख लख मुबारक, लख लख। चल चल से चल। सोनी बड़ी है। जिया बुझा बुझा नैनों थके थके।
तो किस जगह की है? पता नहीं, छोटी बीबी के साथ जहेज में आई है। तेरा नाम क्या है? सेबू। तो देखने में तुम्हारा कबीले का लगती है। तू भी जहेज में आया है? नहीं, मैं छोटा सा था, मेरे को छोटा मालिक उठा के लाया था, इधर ही बड़ा हुआ है। तो अब तक जाग क्यों रहा है? तू भी तो जाग रहे। हमको क्वार्टर में नींद नहीं आती, हमारी छोटी बीबी की शादी रात है ना, इसलिए हम यहाँ है। पता नहीं कब आवाज देते, इसलिए हम यहीं है। ज़ेबा, आज रात को तेरा बीबी तेरे को आवाज नहीं देगा, तो भले सुबह तक यहां बैठी रहे, आवाज नहीं देगा तेरे को। तो जा अपने क्वार्टर में जाके सो जा, नहीं आ जाएगा। जा। पंद्रहवें से तूने क्या डिजाइन बनाया हुआ है? ऊपर अजरक है और नीचे अमेरिका है। बस बाबाजान, अच्छा लगता है मुझे, और वैसे भी अजरक इज आवर कल्चरल सिंबल इन द वर्ल्ड, तो हाँ ये तो है। पुत्र, सुना है शहर में तुझे लोग SB SB कह के पुकारते हैं। जी बाबा जान। पुत्र, अब शादी की बारी तेरी है, तू भी अपने भाइयों का हिस्सेदार है, बोल किस फैमिली में करूं तेरी शादी? बाबा जान, मैं अभी शादी करना चाहता नहीं हूं। अब आपने मुझे फिल्म और थिएटर पढ़ने की इजाजत दी है, तो थोड़ा उसका असर भी देख लीजिए। क्या असर दिखाएगा बाबा को? बाबा, मैं चाहता हूं मैं बहुत बड़ा फिल्म डायरेक्टर बनूं और दुनिया से अपने काम की शाबाशी लूं। बात तो तूने ठीक किया है, लेकिन मेरे छोटे बच्चे, मेरे 3 बेटे हैं, एक को तो शराब और दवाएं खा गई है, दूसरे की बारात कल लेके आया हूं। अब अगर तुझे भी मैं इंटरनेशनल आर्ट के हवाले कर दूं, तो पुत्र मेरे पास बाकी क्या बचा? अरे बाबा, बाकी आप हैं, सजावल भाई हैं, माशाल्लाह ही इज टेकिंग केयर ऑफ ऑल आवर प्रॉपर्टी, तो मुझे तो बस पढ़ाई के लिए खर्चा चाहिए। ये क्या बच्चों की तरह खर्चे की बात करता है पुत्र? ये सब तेरा तरका है, तेरी रियासत है, तेरी जायदाद है पुत्र। पुत्र, कल भी हम मालिक थे इस धरती के, और आज भी हम मालिक हैं। क्या बच्चों की तरह खर्चा खर्चा करता है? सजावल, मेरे पुत्र, मेरे चन मक्खन, आज शादी को 3रा दिन है और तुम बाहर चले गए। बस माँ जी, भाई बिलावल की जगह अकेले जमीनों को भी तो संभालना है, फिर क्या शादी क्या घर, काम तो काम है ना। हाँ, ठीक कह रहे हो तुम, इसी वजह से मैं यास्मीन से नजर भी नहीं मिला सकती, बेचारी जवानी में ही बेवा की तरह रहती है। जमीनों पर स्प्रे कराना था माँ जी, आप जानती हैं दवाएं कितनी नकली आ रही हैं, चेक तो रखना पड़ता है। मैं तो बस इतना जानती हूँ, फसल उतरी आ गई, गाय भैंस ने बच्चा दिया, दूध शुरू हो गया, बाग से फल आया, हवेली में आ गया, अब ये नई बातें तो मैं आज ही सुन रही हूँ।
नई बातें तो और भी बहुत होंगी माँ जी, जिंदगी ने अब तीसरे घर में कदम जो रख लिया है। हाँ पुत्र, अब तो बस तेरे बेटे का इंतजार है। हमारे सारे अरमान, आस और उम्मीदें, इस हवेली को वारिस तो तेरी बीवी से ही मिलेगा। वारिस भी आ जाएगा माँ जी, अभी छोटे शमाइल की शादी भी तो बाकी है। और मेरे पुत्र, मेरा चन्न मक्खन, सदके थीमा वारी जावा, बड़े अरमानों से ब्याह कर लाई हूँ तेरी दुल्हन को। जा, अंदर बैठी तेरा इंतजार कर रही है, नाश्ता नहीं किया उसने, जा, बड़ी प्यारी बच्ची है, जा शाबाश। जी माँ जी। नाश्ता रखते, सजावल आने वाले होंगे। बहुत राह दिखाई आपने, अभी तो मेरी मेहंदी का रंग भी फीका नहीं पड़ा सजावल, आंखों के डोरे भी मान नहीं पड़े, कलाई में चूड़ी भी नहीं समाई और आप बाहर चले गए। जमीनों पर गया था हुस्न बानो, जाना जरूरी था वरना बहुत नुकसान होता, और फसलों का नुकसान जमींदार का नुकसान नहीं होता बल्कि किसान का होता है, और मजारों का तो सब कुछ ही मौसम के साथ चलता है ना। सजावल, फसलों के साथ मोहब्बत भी तो पकती है, ये हमारा वक्त है, हम इसे जाया तो नहीं कर सकते। अब तो आपके साथ सारी जिंदगी का रिश्ता है, देखिए ना, आपके बगैर तो मैंने नाश्ता भी नहीं किया। मैं तुम्हारे साथ हूं हुस्न बानो, बस तुम्हें अब हवेली को समझना है। यहां की कुछ चीजें तुम्हें अजीब सी लगेंगी लेकिन मैं सब संभाल लूंगी। कोशिश करना कि भाई बिलावल की बीवी से दोस्ती कर लो, वो बहुत अकेली है। अगर आपने मुझे अकेला ना छोड़ा तो समझ लीजिए कि वो भी अकेली नहीं रहेंगी, किसी भी दुख का इलाज बंदे के पास ही होता है। तुम तो फरिश्ता बन के आई हो। नहीं, मैं तो सजावल की ढाल बनकर आई हूं। सुना है कि औरत मर्द की ढाल होती है। सोनी बड़ी हो। कभी जैसे तुझको बनाया सोफिया किधर है? उससे अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया क्या? हाँ, कुछ कह तो रही थी। यार अनुषा, तुमने तो सोफी पर कैमरा फिट करके रखा, चिल कर। यार हम दोनों ने तो अपनी असाइनमेंट कंप्लीट कर ली है, तुम दोनों को नहीं करनी है? कल जमा करानी भाई। हेलो एवरीवन। अरे सोफी, ये गुची की लेटेस्ट परफ्यूम तुमने लगाई है? तुमने कौन सी इतनी लड़कियों की फ्रेग्रेंस स्मेल की है जो तुम्हें पता है? अरे बहुत की है, अब तुम्हें सब कुछ बता दूं, हाथ पैर कटवा दूं। क्या सलू, तुमने भी एक मामूली से परफ्यूम को मसला बना दिया। आई गेस इफ आई एम डिस्टर्बिंग यू देन आई शुड लीव। यार तुम बहुत अच्छी लग रही हो सोफी, और ये तो सिर्फ कॉम्प्लीमेंट दे रहा था। छोड़ो ना यार, तुम अपने असाइनमेंट का बताओ। देख रहे हो सबको, सब काम कर रहा है, और तुम? नहीं, ना कैमरा अरेंज हो सका ना बाकी चीजें। लास्ट डे कल। आई नो। क्या प्रोजेक्ट है तुम्हारा? 3 minutes documentary on the past and present of Hiramandi. तो ऐसा करते हैं ना, टिब्बी गली की कुछ फुटेज है मेरे पास, वो तुम ले लो। हाँ,
सोफी, मेरे पास भी कुछ इंटरव्यूज पड़े हैं, वो मैं तुम्हें दे दूंगा। थैंक्स। लो भाई, तुम्हारा काम तो हो गया। अब 3 मिनट की डॉक्यूमेंट्री है, मैं एडिट कर दूंगा एक दिन में, लेकिन एक शर्त पर। और शर्त यह है कि तुम हम सबको पीसी में खाना खिलाओगी। मंजूर। सोच लो, वहां पर तकरीबन 1000 रुपए पर हेड तो है। कोई मसला नहीं। अरे हाँ भाई, इसके लिए क्या मसला हो सकता है, इसके एटीएम मशीन तो साथ बैठी हुई है। एसबी द फ्यूडल लॉर्ड। मैं एक पाई नहीं देने वाला बेटा। मुझे चाहिए भी नहीं, मेरी एटीएम मशीन मेरे बैग में। बट इट्स डिसाइडेड, यू आर डूइंग माय डॉक्यूमेंट्री देन। हां हां, डन है बिल्कुल। कुफर के पतले की राख खोल देते हैं। इस दफा तेरी फीस नहीं गई है, फीस माफ करने की अर्जी डाली थी। भैया अमेरिका से कुछ नहीं भेजता, कम से कम मुझे पढ़ा तो दे। बेटा वो वहाँ बेरोजगार है और किसी होटल में छोटी मोटी नौकरी कर रहा है। सेमेस्टर की फीस ना दी तो मेरा नाम कट जाएगा। आखिरी साल है यूनिवर्सिटी में, मेरा भरम रहने दे। अब्बा से कहें ना कि कुछ करें, मुझे नहीं लगता कि वजीफे की दरख्वास्त मंजूर होगी। तो क्यों लिया था इतनी महंगी यूनिवर्सिटी में दाखला? मैंने अब तक रिटायरमेंट के बाद जो कुछ हासिल हुआ खर्च किया, अब और नहीं है मेरे पास। अब सिर्फ इतना है कि कफन दफन के वक्त उधार ना लेना पड़े। आप हमेशा मुझे इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि ये एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, किसी की नहीं सुनती, इसे बस पैसा चाहिए। वहाँ पाकिस्तान की सो कॉल्ड अशराफिया पढ़ती है, जिनके बच्चे लैंड माफिया से, ड्रग माफिया से, पॉलिटिकल माफिया से, या ब्यूरोक्रेसी से, या फिर लाडली बिजनेस क्लास है उसके बच्चे हैं, या फिर ब्रोकन होम्स के बच्चे हैं, जिनकी माओं को उनके दौलतमंद शौहरों ने दूसरी तीसरी बीवी बनाकर छोड़ दिया। तज्जे अच्छा है अब्बा, अगर पाकिस्तान का अशराफिया कल्चर यही है तो मेरा आने वाला कल कैसा होगा? इस बात का फैसला तुम्हें खुद करना है, मेरी बेटी बनकर या हालात की बेटी बनकर। अब्बा ठीक है, मैं खुद कुछ सोच लूंगी, फीस भी खुद दे दूंगी, पार्ट टाइम जॉब करूंगी। कुछ ऑफर्स हैं मेरे पास। मुझे बहजाद साहब से मिलना है। जी मैम, आपका कोई अपॉइंटमेंट? नहीं, अपॉइंटमेंट तो नहीं है। आई एम सॉरी मैम, सराज बहुत मसरूफ हैं, आप उनसे अपॉइंटमेंट लेकर आए। कैन यू डू मी अ फेवर, आप बहजाद साहब से कहें कि TFT से सोफिया आई है। TFT मतलब मैम? थिएटर फिल्म एंड टेलीविजन। जी प्लीज प्लीज। सर मिस सोफिया आपसे मिलना चाहती हैं, उनका आपसे कोई आज का अपॉइंटमेंट नहीं है। थिएटर फिल्म की स्टूडेंट हैं। जी सर। जी ओके सर।
मैम यहाँ से लेफ्ट जाके राइट के कॉर्नर वाला सर्कल रूम है। थैंक यू। ओके ओके चलो ठीक है, मैं तुमसे बात करता हूँ। I'm sorry सर, मैं ऐसे ही बगैर अपॉइंटमेंट आ गई। I'm really sorry। नहीं नहीं ठीक है, बैठे प्लीज। हमारी मुलाकात एक जगह पहले हो चुकी है तो मुझे आपका नाम याद रह गया था। एनी हाउ क्या कर रही हैं? बस सर मेरा लास्ट शो चल रहा है TFT में। TFT से लगता है ये कोई ऐसा डिपार्टमेंट है जो टॉलरेंस फॉर टेररिज्म के मुताबिक हो और अमेरिका ने इसे बनाया हो। नहीं सर, मेरी यूनिवर्सिटी में एक डिपार्टमेंट है, थिएटर फिल्म एंड टेलीविजन। समझ गया था, आई वॉज जस्ट जोकिंग। सर आपका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है। थैंक यू। कैसे आना हुआ? सर जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरा यूनिवर्सिटी का लास्ट ईयर चल रहा है, मुझे 2 semesters की फीस चाहिए। या तो आप मुझे कोई पार्ट टाइम जॉब दे दें या फिर हम कोई ऐसा अग्रीमेंट कर सकते हैं जिसके मुताबिक मैं जब यूनिवर्सिटी से क्वालिफाई कर लूँ तो फिर मैं आपके साथ काम करूँगी जब तक आपके पैसे पूरे नहीं हो जाते। आपको फीस चाहिए ले लें, लेकिन मैंने आज तक ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं किया। आप अपनी तालीम मुकम्मल करें, कितने पैसों का चेक काट दूं? सर फिलहाल 1 lakh rupees का। ठीक है, शराइत हम बाद में तय कर लेंगे कि आपको जॉब करनी है या आपके लिए कोई और पैकेज बनाया जाए। शर्त इस वक्त सिर्फ इतनी है कि कल आप मेरे साथ या किसी और वक्त तफसीलात तय कर लें। मुझे मंजूर है सर। थैंक यू सो मच सर। I'll see you then. तुम अपनी तालीम इत्मीनान से मुकम्मल करो। You don't have to worry for anything else. Thank you, sir. Thank you. बख्तो जी। बीबी जी, भाभी कहाँ हैं? बीबी वो वहाँ हैं जहाँ किताबें रखी। अरे वाह, किताबें भी पढ़ती हैं? मैंने तो कॉलेज के बाद कभी किताबों को हाथ ही नहीं लगाया। बस मेरी पिछल पैरी बनने की जरूरत नहीं है, जा काम कर। जिया बुझा बुझा हुस्न बानो, तुम इस घर के भेदभाव तो आहिस्ता आहिस्ता खुलेंगे भाभी। भूल भुलैया हैं, राहदारियां हैं, गुलाम गर्दिशें हैं और चोर दरवाजे हैं, न जाने कहां कहां खुलते हैं। तो जान लो, वैसे अभी तक यहां कोई गुम नहीं हुआ। लेकिन हमने तो किसी को गुम होते देखा है भाभी। कौन गुम हुआ है? हमने किसी को अपने आप में गुम होते देखा है। अभी तुम्हें
कितने दिन हुए हैं और तुमने लोगों के अंदर झांकना शुरू कर दिया। देखिए ना भाभी, जब कोई अपना आंगन ही खुला छोड़ देगा तो बाहर से परिंदे तो आएंगे ना, नहीं? हुसन बानो, खुले आंगन में आ ही गई हो तो कुछ देर रुक के देखो, खुद पता चल जाएगा कि कौन कहाँ गुम है, कितना गुम है। भाभी, हवा जब चलती है ना तो आस पास की खबर साथ लेकर आती। मैंने जब आपको पहली बार देखा ना तो मुझे लगा कि आप किसी को कुछ बताना नहीं चाहते, एक राज छुपाए फिरती हैं। ऐसा क्या है? आ ही गई हो तो जान भी लोगी, जल्दी क्या है उस बानो, अभी तो उम्र पड़ी है जानने के लिए। नहीं नहीं, कुछ कुछ जानती हूँ मैं, कोई बात जरूर है जो आपके लिए दुख की है। मुझे क्या दुख होना है, मैं अजल से ही ऐसी हूँ, ऐसी ही तबीयत है मेरी। नहीं भाभी, आपकी तबीयत पहले ऐसी नहीं थी, अब हो गई है, कोई वजह है। क्या वजह हो सकती है? बिलावल भाई से नाराजगी होगी। वैसे आसपास कोई नहीं है इस वक्त। एक राज की बात बताऊं आपको? हर मर्द के अंदर एक तमाशबीन छुपा होता है भाभी, और हर मर्द एक से ज्यादा औरतों के साथ रहना चाहता है। ये तुम मुझे क्यों बता रही हो? इसलिए कि इस मशवरे की जरूरत है आपको भाभी, मर्द के सामने सच संवर के रहना चाहिए, अपने आप को बना संवार के रखिए, कानों में बाला पहनिए, गले में हार पहनिए, बनाइए सवारिए, और खास तौर से शाम के वक्त जब पांव आप जमीन पर उतारे तो जमीन बजने लगे तवायफ की तरह। हुस्न बानो, और हर बनाइए सवारिए, हुस्न बानो, और हर मर्द एक बनाइए सवारी है हुस्न बानो, और हर मर्द एक बनाइए सवारी है हुस्न बानो, और हर मर्द एक बनाइए सवारी है हुस्न बानो, और हर मर्द एक
बनाइए सवारी और हर मर्द एक